सो हे गाइस, वेलकम बैक टू पोकेमॉन वर्ल्ड कोरोनेशन सेमीफाइनल एश वर्सेस सिंथिया बैटल के तीसरे एपिसोड में। अभी तक आपने देखा एश और सिंथिया के बीच में काफी घमासान मुकाबला चल रहा है और एश अपने 5 पोकेमॉन खो चुका है और सिंथिया अपने 4 पोकेमॉन खो चुके हैं। और उसके बाद अब क्या होने वाला है, चलो देखते हैं गाइस, एक्सप्लेन करते हैं इस वाले एपिसोड को। तो गाइस, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो और हां, वीडियो को एक लाइक जरूर करना। तो चलो गाइस, देखते हैं आगे क्या ही हुआ था। गाइस, एपिसोड की शुरुआत होती है, हमें दिखता है सिंथिया का जी मैक्स टोगा किस समय दिखाया जाता है और वहीं पे ऐश का लुकारियो दिखाया जाता है। उसके बाद में ऐश लुकारियो से कहते हैं, लुकारियो चलो हम भी करते हैं मेगा एवोल्यूशन, और फिर ऐश अपने लुकारियो को करता है मेगा इवॉल्व, और फिर हमें दिखाया जाता है मेगा लुकारियो। फिर उसके बाद में ऐश लुकारियो को कहता है, लुकारियो और स्पेयर इस्तेमाल करो, और वहीं पे सिंथिया टोगा किसको कहती है, मैक्स एरिस्टीम इस्तेमाल करने के लिए। उसके बाद में लुकारियो को ऐश कहता है डॉच करने के लिए, और लुकारियो डॉच करके किसके पास पहुंचता है और अपना ऑरा स्पेयर वहीं पे छोड़ देता है। तभी सिंथिया कहती है अपने टोगा किसको, किसको क्रश करो। उसके बाद में टोगा किस लुकारियो के ऑरा स्पेयर को बर्बाद कर देता है। एंड उसके बाद में ऐश लुकारियो को बुलेट पंच इस्तेमाल करने के लिए कहता है। वहीं पे सिंथिया अपने टोगा किस को मैक्स एरिस्टीम इस्तेमाल करने के लिए कहती है। तभी ऐश लुकारियो को जंप करने के लिए कहता है, और लुकारियो जंप करके टोगा किस के अटैक से बच जाता है और पहुंचता है टोगा किस के ऊपर में, और टोगा किस को हिट करता है अपने बुलेट पंच से। और लुकारियो का बुलेट पंच बहुत ही जबरदस्त होता है, जिससे टोगा किस हैंडल नहीं कर पाती और बहुत ही बुरी तरीके से टोगा किस को लुकारियो पीट देता है। एंड उसके बाद टोगा किस जमीन पे नीचे गिर जाती है। सब सोच रहे थे कि टोगा किस और नहीं लड़ सकेगी, लुकारियो ने उसे हरा दिया है, लेकिन तभी सिंथिया कहती है टोगा किस अब आ जाओ, और टोगा किस फिर से उड़ जाती है और सब याद देखकर शॉक हो जाते हैं। एंड उसके बाद फिर ऐश लुकारियो को कहते हैं, लुकारियो चलो अब चार्ज करो अपने ऑरा स्पेयर को। तभी सिंथिया अपने टोगा किस से कहती है कि चलो अब करो मैक्स एयर स्ट्रीम, और लुकारियो अपने ऑरा स्पेयर बना रहा था। तभी टोगा किस का मैक्स एयर स्ट्रीम आके लुकारियो को हिट करता है, लेकिन लुकारियो बहुत ही मजबूती से खड़ा होता है जमीन पर और बिल्कुल भी हार नहीं मान रहा होता है। उसके बाद में ऐश और लुकारियो मर्ज हो जाते हैं, मतलब जो ऐश लुकारियो होता है उसको ऐश कहता है ऑरा स्पेयर इस्तेमाल करने के लिए, और लुकारियो का ऑरा स्पेयर जॉइंट ऑरा स्पेयर बन जाता है और टोगा किस के अटैक को पीछे ढकेलते हुए लेकर जाता है। और फिर उसके बाद में हमें वहाँ पे थोड़ा सा ग्रेनिंजा का सीन भी दिखाया जाता है, वहाँ पे ग्रेनिंजा को दिखाया जाता है जंगल में, थोड़ा सा दिखाया जाता है सीन हमें। फिर उसके बाद में लुकारियो का ऑरा स्पेयर सीधा जाके हिट करता है टोगा किस को, और टोगा किस अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है, लेकिन टोगा किस फिर भी वापस खड़ी हो जाती है और यह देख कर वहाँ पे सब शॉक हो जाता है, और लुकारियो भी थोड़ा कमजोर होने लग गया था अब। फिर वहाँ पे सिंथिया कहती है कि मुझे बहुत मजा आ रहा है ऐश के साथ में और लुकारियो के साथ में बैटल करके। और तभी सिंथिया अपने टोगा किस को कहते, टोगा किस चलो अब अपनी पूरी ताकत लगाओ और इस बैटल को जीतने की कोशिश करते हैं। तभी ऐश लुकारियो को बुलेट पंच इस्तेमाल करने के लिए कहता है, लेकिन टोगा किस इतनी फास्ट होती है कि लुकारियो अपना बुलेट पंच हिट नहीं कर पाता टोगा किस के ऊपर में। तभी सिंथिया टोगा किस को स्काई अटैक करने के लिए कहती है, और ऐश लुकारियो को डबल टीम इस्तेमाल करने के लिए कहता है, और लुकारियो स्काई अटैक से डबल टीम का इस्तेमाल करके बच जाता है। और उसके बाद ऐश लुकारियो को ऑरा स्पेयर इस्तेमाल करने के लिए कहता है, लेकिन टोगा किस के स्काई अटैक की वजह से लुकारियो ऑरा स्पेयर इस्तेमाल नहीं कर पाता है। उसके बाद में ऐश लुकारियो को बुलेट पंच इस्तेमाल करने के लिए कहता है, और लुकारियो का बुलेट पंच टोगा किस को डायरेक्ट हिट करता है और टोगा किस को दूर फेंक देता है। और फिर रेफरी आता है और कहता है कि टोगा किस अब बैटल नहीं लड़ सकता, टोगा किस इस मैच से बाहर हो जाता है। और यहाँ पे सिंथिया ने अपना टोगा किस खो दिया था और अब उसके पास सिर्फ उसका गारचाम ही बचा है। ऐश कहता है अपने लुकारियो से, लुकारियो हमने कर दिया, चलो अब इस बैटल को जल्द से जल्द खत्म करते हैं और सिंथिया को हराते हैं। वहीं पे डियांता कहती है कि ऐश और लुकारियो का बॉन्डिंग पावर बहुत ही जबरदस्त है, और वहीं पे लियोन कहता है कि हाँ, और अब सिर्फ उनको एक और पोकेमॉन को हराना है और वो ये बैटल जीत जाएंगे। फिर उसके बाद ऐश पिकाचू से कहता है, पिकाचू मुझे नहीं पता मैं सिंथिया के साथ ये वाला इस बैटल में जीतूंगा या फिर नहीं, बट मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। फिर सिंथिया कहती है अपने पोकेबॉल को, यानी कि अपने गारचॉम से कहती है कि मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैं तुम्हें फिर से बुला रही हूँ और मैं तुम्हारे साथ फिर से एक और मुकाबला करूंगी। फिर सिंथिया अपने गारचॉम को निकालती है जो कि उसका लास्ट पोकेमॉन है, और अब ये बैटल क्लाइमैक्स पे आ गया था, यानी कि दोनों के पास एक एक पोकेमॉन बचे थे और अब होने वाला था फाइनल बैटल, और इस सेमीफाइनल का हमें विनर मिलने वाला था। तो चलो गाइस, देखते हैं फटाफट से आगे क्या क्या हो रहा है और क्या क्या होने वाला है और क्या क्या हुआ था। तभी ऐश लुकारियो से कहते हैं, लुकारियो बस और एक बैटल बस, चलो अपनी पूरी ताकत लगा दो। सिंथिया अपने गारचॉम से कहती है, गारचॉम क्या तुम्हें हमारे बचपन की बातें याद है जब हम छोटे थे? और फिर वहाँ पे सिंथिया के बचपन का कुछ सीन दिखाया जाता है, सिंथिया की मेमोरी दिखाई जाती है उसका और उसका गारचॉम का, कैसे गारचॉम जो है इवॉल्व हुआ और कैसे सिंथिया और गारचॉम एक साथ बचपन में समय बिताते थे, वो सारे सीन वहाँ पे दिखाए जाते हैं।
फिर सिंथिया गार्चोम को किल शॉट इस्तेमाल करने के लिए कहती है, और एश लुकारियो को इस्तेमाल करने के लिए कहती है, फिर एश लुकारियो को तब तक के लिए मुझे दो इजाजत, बाय बाय।